जय श्रीदेव मित्रों, हम इस वीडियो में सिर्फ वृषभ लगन के जातकों के लिए जून 2023 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। जून के महीने में सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय और कैरियर संबंधित ये महीना क्या लेकर आया है। वर्तमान समय में राहु और गुरु कुंडली के 12वें भाव में है। इस समय आपकी प्रमोशन को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तनाव बढ़ सकता है। आपके सोशल सर्कल में किसी मदद से आप विदेश संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं जिसमें सकारात्मक फल आपको मिलेंगे। इस समय आपका वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ सकता है जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जिस पर हम अपने स्वास्थ्य संबंधी सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे। इस समय किसी प्रकार का अकस्मात लाभ आपको विदेश से संबंधित कार्य में भी मिल सकता है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, इस प्रकार के जातकों को ये समय कुछ शुभ फल देता दिखाई देगा। इस समय शुक्र और मंगल आपकी कुंडली के 3रे भाव में है। ये समय आपका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ा सकता है। इस समय आप जल्दबाजी में अथवा क्रोध में आकर किसी प्रकार का कोई निर्णय अपने कैरियर संबंधित, अपने व्यवसाय संबंधित ना लें, आपके लिए उचित रहेगा। इस समय आपकी यात्राएँ आपके कार्य में, आपके बिजनेस में बढ़ सकती हैं। यदि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें तनाव बढ़ सकता है। इस समय आपके सीनियर्स के साथ किसी प्रकार की बहसबाजी से बचें। वर्तमान समय में सूर्य और बुध कुंडली के लग्न भाव में हैं, जिसके कारण आपके पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर तनाव बढ़ सकता है। कुछ सीनियर पोजिशंस पर बैठे लोगों से पहचान बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय शुभ फल देता दिखाई देगा। इस समय शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में षष्ठ पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर, 4थे भाव पर और 7म भाव पर होगी। ये समय आपके कार्य को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर अत्यंत शुभ समय रहेगा। आने वाले कुछ वर्ष आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे। इस समय आप यदि नौकरी में हैं तो आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करने में सक्षम रहेंगे, अर्थात आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। यदि आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आप हो सकता है मल्टीपल बिजनेसेस में एंटर करें, अर्थात आप और भी किसी प्रकार के बिजनेस में घुस सकते हैं, कर सकते हैं, जिसके शुभ परिणाम आपको शनिदेव द्वारा आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। आपके कैरियर में एक स्थिरता आती दिखाई देगी। जो अस्थिरता आपके कैरियर को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर पिछले कुछ वर्षों से बनी हुई थी वो धीरे धीरे यहाँ समाप्त होती दिखाई देगी। 16 जून के बाद का समय सूर्य का गोचर कुंडली के 2रे भाव में होगा, जिसके कारण आपके फैमिली बिजनेस संबंधित कुछ सकारात्मक फल आपको देखने को मिलेंगे। ये समय आपके स्वास्थ्य संबंधित कैसा रहेगा इस पर हम अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे। ये समय आपके पार्टनरशिप बिजनेस संबंधित तनाव को कम करता दिखाई देगा और आपके बिजनेस में अत्यंत शुभ फल देखने को मिलेंगे। इस समय जो जातक शोध के कार्य से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कार्यों में हैं, तो आपको अत्यंत शुभ फल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित। जून के महीने में ऐसे जातकों को सावधान रहना होगा जिन्हें मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या है। यदि आपको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन जैसी समस्या है, पास्ट में यदि आपको डिप्रेशन रहता था, तो जून का महीना आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ा सकता है। आप इस समय मेडिटेशन अवश्य करें। 18 जून के बाद का समय आपको आँखों से संबंधित अथवा पेट से संबंधित कोई रोग परेशान कर सकता है। इस समय आप बाहर का भोजन अथवा तला हुआ भोजन ना करें। 11 से 14 जून का समय आपको नसों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या बढ़ सकती है। अब चर्चा करते हैं आपकी फाइनेंस और वित्त संबंधित ये महीना क्या लेकर आया है। 13 जून के बाद का समय आपके मस्तिष्क में आपके फाइनेंस को लेकर तनाव दूर होता दिखाई देगा। आपकी सेविंग से वृद्धि होगी। इस महीने में आपके खर्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का खर्चा आपके सामने अकस्मात आकर खड़ा हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। 14 से 16 जून और 23 से 25 जून का समय आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। अब चर्चा करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित ये महीना क्या लेकर आया है। यदि आप सिंगल हैं तो नए रोमांटिक अवसरों के मजबूत संकेत यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ सकते हैं जो आपके दिल को लुभाता है और आपकी रुचि को जगाता है। प्यार के लिए इन अवसरों को गले लगाना है और नए अनुभवों के लिए खुला रहें। अपनी भावनाओं और इरादों को संवाद करने के लिए पहल करें, क्योंकि इससे आपकी रोमांटिक लाइफ को मजबूती मिलेगी। उन लोगों के लिए जो पहले से ही एक रिश्ते में है, अर्थात आप रिलेशनशिप में हैं, जून सद्भाव और स्थिरता लाएगा। आपको और आपके साथी को एक दूसरे की ज़रूरतों और इच्छाओं की गहरी समझ होगी, जिससे एक मजबूत बंधन बढ़ेगा। यह अंतरंग बातचीत और साझा अनुभवों के लिए
एक उत्कृष्ट समय रहेगा जो आपके रिश्ते में भावनात्मक संबंध को बढ़ाता है। 1 से 12 जून तक की अवधि आपके रोमांस जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकती है। छोटे छोटे मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश करें। इस दौरान आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन अहम भूमिका निभाएगा। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करें और अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रभावी संचार समझ को बढ़ावा देगा, संघर्षों को हल करेगा और आपके रिश्तों की नींव को मजबूत करेगा। अब चर्चा करते हैं आपके परिवार संबंधित यह महीना क्या लेकर आया है। 16 जून तक का समय आपके वैवाहिक जीवन संबंधी थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है। इस समय आपकी प्रवृत्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने की बन सकती है। इस महीने में आपको थोड़ा संयम रखना होगा, अन्यथा ये समय आपके वैवाहिक जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर सकता है, किसी प्रकार का मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, जिसके कारण आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं, मैंने उपाय सेक्शन में बताए हैं, आप अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। जून के महीने में आपके छोटे भाई बहन के साथ तनाव बढ़ सकता है। अब चर्चा करते हैं कि किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको थोड़ा लाभ मिल सकता है। आप जून के महीने में हरे और पीले रंग के वस्त्रों को ना धारण करें। आप इस महीने में गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस महीने में यदि आप 21 से 23 जून को सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो आपके मन में शांति की अनुभूति प्रदान करेंगे। अब चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें जून के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु और बृहस्पति के बीज मंत्र का आपने नियमित रूप से पाठ करना है। हर बुधवार और शनिवार को भगवान गणेश जी के मंदिर में सरसों के तेल से पूजा अर्चना करें और दीपक जलाएं। जरूरतमंदों को काली उड़द की दाल, लोहे के बर्तन या काले कंबल का दान आपने शनिवार को करना है। मन को शांत करने और अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने के लिए नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें। मांसाहारी भोजन और शराब के सेवन से बचें। चांदी के चौकोर टुकड़े या लॉकेट यंत्र के साथ रखें और इसे अपने घर में रखें या इसे सुरक्षा के लिए पेंडेंट के रूप में पहनें। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 1 जून और 15 जून को प्रदोष व्रत करना है, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। तो ये था वृषभ लग्न के जातकों के लिए जून 2023 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।